Welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. And aaj ye video shuru karne se pehle, I would love to thank all of you for all the love, for all the support jo aap mujhe dete hai, jo aap is channel ko dete hai. Main bahut bahut grateful hu aap sab ki energies se judne ke liye, aap sab ke saath contact mein aane ke liye, and to know such beautiful souls out there as well. सो यस, काली रंग की जर्नी इतनी स्पेशल रही है मेरे लिए भी. एंड ईच एंड एवरी डे दैट आई हैव बीन डिसाइफरिंग मैसेजेस फॉर यू, मुझे मेरी ज़िंदगी के बारे में भी काफ़ी कुछ और जो है वो पता चलता गया. खुद ब खुद रास्ते जो है वो खुलते गए. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल साइकिल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. जब भी हम मन से बाहर जाते हैं, वी हेल्प पीपल, जब वी कनेक्ट टू आर पर्पस, टू समथिंग दैट वी आर ट्रूली मेंट टू डू इन आर लाइफ एज वेल, तब जाकर आपको दिखेगा दैट आपकी ज़िंदगी भी खुद ब खुद संवरती जाती है, खुद ब खुद वो रास्ते जो है आपकी लाइफ में भी खुलते जाते हैं, एंड यू प्रोग्रेस इन योर लाइफ, राइट. बट हम यहाँ आए हैं एंड लाइफ योर इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी. चाहे आप किसी भी कनेक्शन में हो, चाहे आप लाइफ के किसी भी स्टेज में हो, हमेशा देर इज़ गोइंग टू बी लर्निंग्स, देर आर गोइंग टू बी थिंग्स दैट विल कम एंड दे विल बिकम अ चैलेंज इन योर लाइफ. बट आप उसको कैसे परसीव करते हो, आप उस चैलेंज को कैसे फेस करते हो, वो चीज़ जो है वो आपकी ट्रू लर्निंग को दर्शाता है उस मोमेंट में, राइट. सो ऑलवेज रिमेंबर, यू कैन ओवरकम एनी एंड एवरी थिंग विथ फेथ, विद हायर पावर्स एंड विद योर ओन कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी. आपका हार्डवर्क, आपका परसिवरेंस आपको आगे लेके जाएगा ज़िंदगी में. ये मैंने खुद भी सीखा है अपनी लाइफ में, इसलिए आपको मैं बताती हूँ. एंड जब भी हम वीडियो शुरू करने वाले होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर करना, बिकॉज आई ट्रूली गो थ्रू ऑल द कमेंट्स. मैं सारे कमेंट्स जो है वो पढ़ती हूँ, एक एक चीज़ मैं नोट करती हूँ दैट आप लोग क्या बोल रहे हैं वीडियो के बारे में, मेरे बारे में. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑनेस्टली फॉर ऑल द रिस्पेक्ट एंड ऑल द ऑनर दैट यू गिव मी एज वेल. एंड आई ट्रूली बिलीव ये सारी रिस्पेक्ट, ये सारा जो ऑनर है, इसका सारा का सारा क्रेडिट जो है ये काली माता को जाता है, ये हायर पावर्स को जाता है, जो इतनी ब्यूटिफुली हमसे कनेक्ट करते हैं, हमें वो पावर, हमें वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, और कहीं ना कहीं हमें उसके काबिल समझते हैं दैट ज़िंदगी में दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, तो हमें आंसर्स, रेमेडीज़ और सॉल्यूशंस भी साथ में दी जाती है, राइट. तो मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ इतनी ब्यूटीफुल सोल्स से कनेक्ट करके. एंड ऑल ऑफ यू, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट माई व्यूअर्स, ऑल ऑफ यू आउट देयर, आप लोगों से मुझे क्या फील होता है मैं बताती हूँ. लाइक आई फील दैट द वर्ल्ड इज़ अ बेटर प्लेस. इस दुनिया में सब जो है वो ख़राब लोग नहीं है, सब जो है वो चीटर्स या बिट्रेयर्स या अबैंडन करने के लिए लोग यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, जो सिर्फ अपना फ़ायदा देख के या मतलब देख के रहते हैं. नहीं, काली रंग इज़ सच अ ब्यूटिफुल कम्युनिटी, एंड इस कम्युनिटी का हिस्सा जो हम सब हैं, इस फैमिली का हिस्सा जो हम सब हैं, मुझे यही फील करवाता है दैट अच्छे लोग हैं, सोल कनेक्शंस है, बिलीवर्स इन गॉड आर देयर. मैं आप लोगों की स्टोरीज सुनती हूँ एंड व्हेन आई कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू, मुझे इतना अच्छा लगता है ये सुन के कि आप ये सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हो, अपने रास्ते ढूंढ रहे हो, अपनी प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल लाइफ को भी बैलेंस कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम यू आर गोइंग अहेड एंड लुकिंग फॉर योर स्पिरिचुअल पार्टनरशिप्स, ट्राइंग to get answers of the questions, because मेरी भी कहीं ना कहीं life journey जो है वो बिल्कुल ऐसी रही है. And when you follow that guidance, look where it gets you into your life, right? चलिए, so आज की आपकी जो video है वो शुरू करते हैं. आज का topic जो है that is
हु इज गोइंग टू बी योर हस्बैंड और योर वाइफ, यानी कि आपकी शादी किस से होने वाली है. आज हम मेनली इस पर्सन के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे. वी विल फाइंड आउट एनी अदर मोर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो दैट स्पिरिट गाइड्स एंजल्स एंड गॉड वॉन्ट टू गिव अस. एंड यस, मुझे अभी कैमरा पे 444 दिखा. सो ये एंजल नंबर जो है आप लोगों को बहुत दिख रहा होगा, एंड जिन भी लोगों को ये नंबर दिख रहा है, एंजल्स वॉन्ट यू टू नो दैट वो आप लोगों के साथ है, आपकी जर्नीस में आपको गाइड कर रहे हैं. लुक आउट फॉर साइंस बिकॉज यू आर गेटिंग दैम एज वेल, राइट. सो चलिए, प्लीज़ गो अहेड. एंड आज का जो आप पिक करेंगे ग्रुप, वो आपको ना कि सेल्फ कार्ड से, बट यू हैव टू ऑल्सो पिक द एनिमल दैट कॉल्स आउट टू यू, द एनिमल कपल दैट कॉल्स आउट टू यू. ऑल राइट, सो ज़्यादा ध्यान आज मैं आपको बोलूँगी एनिमल कपल पे दीजिएगा. अपनी इंट्यूशन, जो भी आपकी इंट्यूशन बोलती है पिक करने के लिए, उसको पिक कीजिएगा. एंड आई विल बी सीइंग यू एट योर रीडिंग. ग्रुप नंबर वन, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग. If you chose this group with the beautiful, beautiful pair of these camels, well, this is your reading. Let's get started and find out ke aapke liye kya messages hai. So, jab maine ye camels ka pair rakha tha picking ke liye, again, it was a very intuitive calling jo mujhe aayi thi, right? So, I will be telling you ke kya yahan par message hai. कैमल की ओर से, एंड मैं फिर आपको कार्ड भी एक्सप्लेन करूँगी. सो कैमल्स जो होते हैं, राइट, अगर हम उनका स्पिरिचुअल एसेंस देखें, तो व्हाट डू? दैट यू नो दे आर द एनिमल्स जो बहुत ज़्यादा अपने अंदर रेजिलियंस रखते हैं, परसीवरेंस रखते हैं, राइट. एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू ट्रैवल. दे आर मेड इन अ वे कि उनकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, दिक्कतें आती है, यू नो, बहुत हार्श इन्वायरमेंट्स में वो रहते हैं, वो प्रिपेयर्ड होते हैं दैट वो सर्वाइव कर जाए उन सब चीज़ों को, राइट. एंड जो यू नो कैमल होता है, उनकी जो हम्प होते हैं, दे कैन स्टोर अबाउट 200% यू नो एक्स्ट्रा फैट इन टू देयर बॉडीज. जब वो तब यूज़ कर सकते हैं जब उनको खाना या पानी नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स वो अपने ही इंटरनल रिजर्व एनर्जी पे वर्क कर सकते हैं इन एडवर्सिटीज़, राइट. प्लस उनके बहुत बड़े जो होते हैं हूव्स होते हैं, जो उनको सैंड पे चलने को मदद करते हैं, राइट. एंड दे हैव डबल आई लैशेज, अ वेरी लॉन्ग नेक, राइट. एंड और भी बहुत क्वालिटीज़ जो है इस एनिमल में होती है. एंड जब हम इस एनिमल को एक अपने स्पिरिचुअल टोटम की तरह देखते हैं, तो हमें क्या एसेंस और क्या मीनिंग मिलता है? दैट हमें कैमल स्पिरिट सिखाता है दैट आपकी लाइफ में एक लंबा सफ़र, एक लंबी जर्नी, लेकिन स्लो एंड विद विजडम होने वाली है. तो आपको इस एनर्जी को एक्टिव करना चाहिए और इससे सीखना चाहिए, क्योंकि कैमल हमें सिखाता है कि आपका ज़िंदगी का सफ़र जितना भी लंबा है, जितना भी आगे आपको बढ़ना है, आप बढ़ सकते हो. आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो रिजर्व है, वो पावर है, बट उसको सही टाइम पे यूज़ करना, वो आपकी एबिलिटी है. एंड अपने आप को फुली यू नो इस दौरान प्रिपेयर करके चलना दैट एनी पॉसिबिलिटी इज़ देयर ऑन द रोड फॉर यू, राइट. तो मैं आपको आज ये जो एनिमल कपल है, मैंने आपको यहाँ पर क्यों बताया और ग्रुप नंबर वन क्यों कनेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस और आप दोनों इसी एनर्जी में हो, राइट. कि जितनी मर्जी दिक्कतें आए लाइफ के अंदर, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आए, हम गिव अप नहीं करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, रादर हम डट के उनका सामना करेंगे, हम प्रिपेयर करेंगे और हम उस चीज़ से आगे बढ़ते रहेंगे. एंड वेन एवर इन योर लाइफ यू विल फील दैट दिस इज़ द एंड, आई कॉन्ट टेक इट एनी मोर, उस टाइम पे आपको अपनी ट्रू इनर स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा, एहसास होएगा, और आपके फ्यूचर स्पाउस में वो रेजिलियंस होएगा, आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ में यू नो वो एक इतनी शक्ति स्ट्रांग होएगी, और वो उस शक्ति को उस मोमेंट में यू नो सबसे ज़्यादा एक्टिवली समझ पाएंगे, जब उनको लगेगा दैट उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ओवर हो चुका है, एंड आ चुका है, तब जाके वो इस रिजर्व को अपनी ज़िंदगी में यूज़ करेंगे. मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, राइट.
सो चलिए अब आपके मास्टर कार्ड से देखते हैं. यू हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ग्रुप नंबर 1, जैसे आप जानते हो, मेरे को बहुत ज़्यादा दिल से खुशी होती है जब आपके लिए अच्छे कार्ड्स निकल कर आते हैं, सुंदर कार्ड्स निकल कर आते हैं, पॉजिटिव कार्ड्स निकल कर आते हैं. आई एम वेरी हैप्पी एंड समवेयर इन माई हार्ट आई वॉज ट्रूली विशिंग. मैंने ये कार्ड निकाल के नहीं रखा डेक से, ये खुद जो है मैं शफल कर रही थी तो मास्टर कार्ड के तौर पर ये गिरा. एंड आई हैव वन मोर मास्टर card for you, that is the star, right? So both are very strong and very powerful energies and दोनों कार्ड्स ही गिरे आप लोगों के लिए, राइट. एंड यहाँ पर आपके लिए जो सबसे बड़ा मैसेज जो एक गॉड यूनिवर्स आपको यहाँ पर देना चाह रहे हैं इसके थ्रू इस आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनके साथ आप एक परफेक्ट हार्मनी, एक परफेक्ट यूनियन में जो है वो आएंगे, राइट. यू बोथ विल वॉन्ट द सेम थिंग्स. ये पार्टनर और आप एक फैमिली चाहेंगे, यू नो, एक हमारी फैमिली आगे बढ़े, हमारी एक भरपूर, एक खुश, यू नो, मिसाज जिंदगी हो. एंड एक दूसरे के अंदर डूबना, एक दूसरे के अंदर, यू नो, टू बी कनेक्टेड विद ईच अदर एट योर हार्ट लेवल, एट योर प्योर लेवल, यू नो, प्योर सोल लेवल रादर, एंड टू हैव डिवाइन किड्स फर्दर ऑन. मुझे इस ग्रुप के लिए ये दिखाई दे रहा है, राइट. तो आपके पार्टनर जो है मुझे वो बहुत एक रिच वाइब्रेंट एनर्जी में दिख रहे हैं. एंड सो आर यू, एंड यू विल बी वेरी मच इनटू ईच अदर एज वेल. और आप इस जर्नी पे एम्बार्क करोगे एक लंबी स्पिरिचुअल जर्नी के बाद, एक लंबी जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी के बाद आप आगे बढ़ोगे. जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होगा जिंदगी के अंदर, जब आपकी एनर्जीज रिन्यू हो चुकी होगी और आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे, यू नो, जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे वो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिंदगी में हार मानने वाले बिल्कुल इंसान नहीं होंगे. एंड वो आपको सब कुछ देना चाहेंगे आपकी लाइफ के अंदर. उनका मन होगा, उनकी इच्छा होगी कि वो आपको सब कुछ, सारी यू नो चीज़ें प्रोवाइड करें, आपकी ज़िंदगी को कंप्लीट करें. सो ये पर्सन एक नहीं बट मल्टीपल एस्पेक्ट्स के बारे में जो है सोचेगा. इनको बहुत ज़्यादा ख्याल रहेगा आपकी हेल्थ को लेकर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर. मैं घर बनाऊँ, मैं प्रॉपर्टी रखूँ, मैं अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करूँ, मैं अपनी वाइफ या हस्बैंड का फ्यूचर सिक्योर करूँ, मैं मुझे बच्चे चाहिए शादी में, राइट. मुझे एक फुलफिल्ड कंप्लीट फैमिली यूनियन यहाँ पर चाहिए. एंड दिस इज़ अ वंडरफुल एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस दैट आई एम एबल टू फील योर, राइट. आपके हस्बैंड या वाइफ की, एंड दोनों ही कपल, जैसे दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे में डूबे हुए हैं एंड आउट ऑफ लव दे आर मेकिंग द फैमिली. एंड दिस अ लॉट ऑफ लव फ्लोइंग, दिस अ लॉट ऑफ एंजेलिक सपोर्ट हियर, जैसे. And there's a lot of hidden messages and synchronicities coming from the universe. इस person से जब आप मिलने वाले होंगे उस journey पर आपको बहुत signs मिलेंगे. universe आपसे बहुत बात करेगी. इस group को specifically birds और butterflies से भी बहुत messages आएंगे, मुझे दिखाई दे रहा है, राइट. लेकिन आपकी विश मेरे को दिखाई दे रही है एज अ मैरिज पार्टनरशिप में वो फुलफिल होगी इस पर्सन के साथ, राइट. बिकॉज एक बहुत सिक्योर्ड, एक बहुत स्टेबल, एक बहुत स्ट्रांग मैरिज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. दो ऐसे इंडिविजुअल्स की जो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे इस पार्टनरशिप में, राइट. चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए. टुडे वी हैव योर प्री शफल कार्ड्स बट आई हैवंट सीन देम. सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आते हैं और क्या बताया जाता है. ऑलराइट, वी हैव द हर्मिट हियर. हर्मिट, ऑलराइट. रिट्रीट एंड रिचार्ज. ऑलराइट, सो इस एनर्जी में मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे ये मेरे को आप दोनों की एनर्जीज बहुत सिमिलर दिख रही है. आप दोनों किसी रिलीजियस चीज़ों से कनेक्टेड हो सकते हो, किसी तरीके का ध्यान, पूजा, मेडिटेशन, चक्रास, ऐसे किसी चीज़ में आप लोग जो है आपका ध्यान हो सकता है, आपके फ्यूचर स्पाउस का भी होगा. एंड इनका कनेक्शन मेरे को किसी ना किसी, यू नो, केव से, रुद्राक्ष से, एक बहुत सिंपल येट हर्मिट एनर्जी से दिखाई दे रहा है. ऐसे से होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस. ये बाहर की दुनिया से डिटैच्ड होंगे, मटीरियलिस्टिक नहीं होंगे ये इंसान. जितना मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट इस इंसान में होगा वो अपनी फैमिली को लेकर होगा, बट ऑन एन इंटरनल लेवल ये इंसान अपनी लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा
इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती जाएगी ज़िंदगी के अंदर, और इनका सब मन करेगा मैं छोड़ते जाऊँ अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ, त्याग करते जाऊँ और मैं इसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही चला जाऊँ, रिलीजियस वर्ल्ड में चला जाऊँ. समबडी हु इज़ विद इन देमसेल्व्स एंड कंटेंट देयर. सो एक हर्मिट एनर्जी, एक क्वाइट एनर्जी में इंसान दिख रहे हैं सेल्फ डिस्कवरी के पाथ पे. और यस, ये आप लोगों के साथ यहाँ आने से पहले अपने अंदर ये चीज़ें जो है डिस्कवर कर चुके होंगे, इनको अवेकनिंग्स हुई होंगी, ये पूजा पाठ में बहुत मानते होंगे. मुझे इंडियन चीज़ों से बहुत कनेक्ट दिख रहा है इनका यहाँ पर. एंड किसी बाबा या किसी गुरु या किसी ऐसी पावर में भी मानते होंगे. गुरु यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे शक्ति जो है वो दिखाई दे रही है, राइट, इस तरीके की चीज़. और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. वाओ, वी हैव कंपैटिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी मुझे इस ग्रुप से फील हो रही है, राइट. तो आप दोनों बहुत सिमिलर होने वाले हो, आपकी कंपैटिबिलिटी आपके फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है. आप लोग दोनों बहुत सिमिलर सोल्स होगे एंड आप दोनों नोटिस करोगे आप दोनों को सेम चीज़ें पसंद है, कॉमन इंटरेस्ट है. आप लोग कॉमन इंटरेस्ट से भी मिल सकते हो अपनी लाइफ में, राइट. एंड आप दोनों का रहने सहने का ढंग, लाइफ ज़िंदगी को जीने का ढंग बहुत सिमिलर होगा, जबकि दोनों अपने पाथ्स पे होंगे. बट उसके अलावा मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है दैट यू बोथ विल बी वेरी इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सेम काइंड ऑफ थिंग्स इन टू योर लाइफ, राइट. सेम तरीका का म्यूजिक टेस्ट होना, सेम भगवानों की पूजा करना, सेम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इंक्लाइंड रहना, स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइंड रहना, हॉबीज किसी तरीके की आप दोनों की सेम हो सकती है. बट येस, मुझे दिखाई दे रहा है इवन आपका बिना ट्राई करें आप लोग सेम कपड़े, सेम कलर, सेम तरीके की चीज़ें बोल देना एक ही टाइम पे, इस तरीके की एनर्जी मुझे बहुत दिखाई दे रही है. बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग सेम सोल, सिमिलर सोल एनर्जी जो यहाँ पर मेरे को आप लोगों के लिए आपके फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ के साथ दिखाई दे रहा है. इट्स वेरी स्वीट, इट्स वेरी रोमांटिक, इट्स वेरी सटल. द लव हियर इज अ वेरी रोमांटिक सॉर्ट ऑफ अ लव जो मुझे आप लोगों के कनेक्शन में दिखाई दे रहा है. वाओ, नेक्स्ट is the nine of cups. What wonderful, wonderful cards am I getting for group number one. I'm very happy for you. So group number one, ये वो person होने वाले हैं जिसके बारे में आपने सोचा है, आपने dream किया है, आपने wish किया है, आपने manifest किया है, राइट. जिस तरीके की एनर्जी आप चाह रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है आपने थोड़ा थोड़ा हर चीज़ मांगा है, राइट. एंड आपकी खुद की जो विशेज़ है, जो डिज़ायर्स है, वो इस इंसान के द्वारा सारी जो है वो फुलफ़िल होंगी, वो सारी पूरी होंगी. एंड आप रियलाइज़ करोगे इस पर्सन को मिलने के बाद दैट दिस इज़ माई ड्रीम कम ट्रू. इस इंसान ने मेरी पूरी की पूरी दुनिया जो है वो कंप्लीट करी है. मेरा पूरा मैनिफेस्टेशन आज तक का जो था, ये इंसान सच में मेरा मैनिफेस्टेशन कम्प्लीशन बन के ज़िंदगी में आया है, राइट. एटलीस्ट मुझे आपके लिए, आपके दिल में एक सेटिस्फैक्शन दिख रही है, एक सोल सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट कि यस, मैं ये चाहती थी इस इंसान से एंड मुझे ऐसा इंसान यूनिवर्स ने दिया. आपके अंदर यू विल बी फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड ऑल्सो, यू विल बी फिल्ड विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, यू विल बी फिल्ड विद अ लॉट ऑफ फेथ. जहाँ पर आप दूसरे लोगों को मुझे जाते हुए और प्रीच करते हुए दिख रहे हो इस जर्नी के बारे में, इस मैरिज के बारे में, अपने शादी कितनी अच्छी होती है, कितनी ड्रीमी हो सकती है उस चीज़ के बारे में, थॉट्स चेंज करना दूसरे लोगों के, ऐसी चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं यहाँ पर. ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट कार्ड. वी हैव टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस. वाओ, ओके. इस इंसान को मिलने के बाद ये आपकी फ्यूचर स्पाउस एक ऐसे इंसान होने वाले हैं जिसके साथ रह के आपको जितना आप रोए हो अपनी ज़िंदगी में पहले, जितना आप दुखी हुए हो, जितना परेशान हुए हो, ये इंसान आपका बैलेंस होने वाला है. ये आपको उतना ही ऐसे हंसाने वाले हैं कि आप हंस हंस के रो पड़ो, राइट. बिकॉज उस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. दे विल चेयर यू अप, दे विल मेक यू वेरी हैप्पी. उनको आपका एक एक आंसू बहुत कीमती होगा, इनके लिए बहुत प्रेशियस होगा. एंड ये आपको हमेशा ही सेफ एंड सिक्योर जो है वो फील कराने में
इनका इंक्लिनेशन रहेगा एंड आपको ट्राई करेंगे कि आपकी ज़िंदगी के पहले के जितने दुख दर्द हैं वो ये इंसान अपने प्यार से, अपनी केयर से, अपने आप से आपको हील करके उसको मिटाए. यहाँ पर मुझे दिखाया जा रहा है, राइट? What a wonderful energy. For a very small amount of group, यहाँ पर twin flames की energy भी है. Very much possible आपका जो you know ये future spouse है, जो husband या wife है, ये majority के लिए मुझे soulmate दिखाई दे रहे हैं, but कुछ लोगों के लिए for a very few percentage और मुझे twin flame connection भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो active होएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके hard work, आपके spiritual work, आपकी perseverance के बाद, right? चलिए. Oh my God, look at that. We have the card of the twin flames here and I haven't seen the cards. Main jab shuffle kar rahi thi maine cards dekhe nahi. Maine kaha, you know, I feel it's better to see the cards while I'm reading because ekdam se wo aapki, you know, wo flow, wo intuition ko strike karta hai. I believe that's the best way to go about. So I don't know the cards. Jaise maine aapko bataya, and four of wands is the card of twin flames and it's right below the mirror image jo maine aapko dikhaya. So yes, main bahut strongly आप फील कर पा रहे हो इस एनर्जी को, इस कनेक्शन को, जिससे किसी को अचीवमेंट मिल रहा है, किसी को वो सोल सेटिस्फैक्शन मिल रही है जो एक यूनियन के बाद मिलती है. आने के बाद आप इस इंसान से शादी करके ट्रू ब्लिस, ट्रू लव, ट्रू रोमांस एक्सपीरियंस कर पाओगे. स्टेबिलिटी फील होगी आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर. इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है, राइट? इतनी खुशी दैट उस खुशी के लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करो. आप यू नो, मेरे को आई एम आउट ऑफ वर्ड्स. इट्स सच एन ओवरवेलमिंग फीलिंग दैट आई एम गेटिंग राइट नाउ. इट्स अ वेरी जॉयस, अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, राइट? एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी इन परफेक्ट अलाइनमेंट विद यू. आपकी परफेक्ट अलाइनमेंट के होने वाले हैं, आपकी एनर्जी के लेवल के होने वाले हैं. एंड आप दोनों के अंदर एक बहुत डीप सोल कनेक्शन मुझे दिख रहा है. सोल्स आप दोनों की इंटरट्वीन होंगी, कनेक्टेड होगी, एंड इस ये एनर्जी आप बाहर भी रेडिएट करोगे, अपनी फैमिली में, अपने लव्ड वंस में, एंड आउट देयर इन द वर्ल्ड. लोग देखते ही समझ पाएंगे कि आप दोनों का कनेक्शन कुछ बहुत स्पेशल है, एंड देयर इज मोर गोइंग ऑन दैट नीड्स द आई इन दिस कनेक्शन, राइट? रिलीज योर एक्स का मैसेज आया है यहाँ पर. ओके. The time has come to clear your energy. आपके future spouse के लिए मुझे दिखाई दे रहा है that इनका कोई ex हो सकता है, इनका past में किसी के साथ एक strong connection हो सकता है जिसको release करके ये आपके पास आएंगे, आगे बढ़ेंगे. And आपको भी यहाँ पर एक message आ रहा है जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ऐसी किसी भी energy में, क्योंकि यहाँ पर energies mirror हो रही है, ऐसी किसी भी energy से आप connected हो या आपको लगता है cord connection है, तो यहाँ पर cord cut करने का guidance आपको दिया जा रहा है और आपको बोला जा रहा है यू नीड टू क्लियर योर एनर्जी टू मूव फॉरवर्ड. द टाइम हैज कम. अभी टाइम आ चुका है, आपको ये करने की ज़रूरत है ताकि आपकी एनर्जी क्लियर हो एंड जिस चीज़ में आपको आना है आप उस चीज़ पर पहुंच जाए, राइट? किसी भी यहाँ पर पार्टनर को पास्ट में स्टक नहीं रहना है. यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट. यहाँ पर आपके लिए ये गाइडेंस है. एंड यस, इस इंसान का कोई पास्ट होगा, एक यू नो ट्रामेटिक, एक यू नो एक हर्टफुल पास्ट होगा जिससे ये बाहर निकल कर आपको चूज करेंगे, आपके पास आएंगे, राइट? लेट्स सी. यू हैव अ कंपेनियन. वाओ, बिल्कुल कंपैटिबिलिटी के नीचे वी हैव द कार्ड ऑफ कंपेनियन एंड इट शोज लॉयल्टी, अनसेल्फिशनेस. बहुत लॉयल कनेक्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये पार्टनर आपके अंदर और आप इस पार्टनर के अंदर होने वाले हैं, राइट? एंड एक अनसेल्फिश, सेल्फलेस होएगा ये कनेक्शन. आप जो भी करोगे दिल से करोगे. फ्रेंड्स आप लोग होगे एक दूसरे के, ना कि सिर्फ हस्बैंड और वाइफ, ना कि सिर्फ पार्टनर्स, बट आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स होगे. इतने कंफर्टेबल होगे एक दूसरे के साथ दैट यू विल शेयर मोर देन अ लविंग बॉन्ड विद ईच अदर, राइट? एंड आप एक दूसरे को, आप एक दूसरे की जर्नी में सपोर्ट करोगे, एक दूसरे को ग्रोथ में सपोर्ट करोगे, राइट? एंड एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दोगे अपनी फुल पावर में आने का, अपनी पर्सनालिटी को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करने का एंड आगे बढ़ने का. सो इट्स अ वेरी हेल्दी कनेक्शन दैट आई एम एबल टू सी हियर. एंड लॉट ऑफ येलो एनर्जी, कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा भरी जाएगी एक दूसरे के अंदर, क्योंकि जो इंडिविजुअल इस कनेक्शन में आ रहा है वो खुद बहुत सेन होगा और उसको
इन सब चीज़ों का महत्व बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये पर्सन अपने अंदर से अवेकन होगा. राइट, लेट्स सी. वर्कहोलिक, ओके, बट वी हैव वर्कहोलिक अंडर दी हर्मिट. राइट, तो यहाँ पर मुझे ऐसे बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं जो किसी तरीके का काम ऑलरेडी परस्यू करते हो, कोई नॉर्मल प्रैक्टिकल वर्क करते हो, बट साथ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, एक स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करते हो. इन सब चीज़ों के अंदर भी बहुत झुकाव है. राइट, एंड आपके पार्टनर की एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक आ रही है. सो काम में बहुत ज़्यादा लगे रहना, अपने काम के लिए बहुत पैशन होना, बहुत श्रद्धा होना अपने काम के लिए, एंड उस चीज़ को बहुत डेडिकेशन से फॉलो करना, समटाइम्स गोइंग ओवरबोर्ड विद इट एज वेल. बट ये पर्सन क्रिएटिव चीज़ों को बहुत वैल्यू करता होगा, कोई क्रिएटिव पैशन किसी क्रिएटिव वर्क से ही जुड़ा होगा, एंड मैंने आपको बताया किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल एक्टिविटी से भी जो ये इंसान है वो जुड़ा होगा. राइट, इसको पेंट करना, लिखना, गाना या ऐसी क्रिएटिव एस्पेक्ट से कनेक्ट होना, सुनना बहुत अच्छा लगता होगा. राइट, दिस पेंट मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, पेंट, आर्ट, आर्ट वर्क. राइट, इस तरीके की चीज़ें ये पर्सन अप्रिशिएट करता होगा ऐसी चीज़ों को, एंड विल बी कनेक्टेड टू सच थिंग्स. राइट, इनको ओल्ड स्कूल पर्सन थोड़ा दिखाई दे रहा है, जिनको हैंड रिटन नोट्स पसंद आएंगे, जिनको यू नो सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू मेक विद योर हैंड्स, एंड दिस पर्सन मेक्स, इनको इस चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू होगी. कुछ लोगों के लिए कुकिंग भी दिखाई दे रहा है, इनको पसंद होगा, एंड दे विल एन्जॉय इट. राइट, ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट मैसेज. वी आर द वर्ल्ड, आप लोगों के लिए बार बार एक दुनिया कंप्लीट होने का मैसेज आ रहा है, एक कंप्लीशन का मैसेज जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है. सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी समबडी जिसके साथ आप फील करोगे कि हमारी दुनिया कंप्लीट हो गई, एंड दिस पर्सन विल, इनकी साथ जो आपकी दुनिया बनेगी उसके अंदर यू विल फील कंप्लीट. आपके अंदर कोई हॉलोनेस नहीं आपको फील होगा, आपको कोई गैप नहीं फील होगा, आप खुद अपनी एक कम्युनिटी, एक फैमिली क्रिएट करोगे जिसके अंदर आपको बिल्कुल एक सेफ एंड सिक्योर फील होगा, एंड इस दुनिया के आसपास जो है आपकी दुनिया रिवॉल्व होगी, एंड उस इंसान की दुनिया आपके आसपास रिवॉल्व होगी. आप दोनों एक दूसरे के लिए, यू विल बी द वर्ल्ड फॉर ईच अदर. राइट, डांसिंग भी दिखाई दे रहा है, कुछ पार्टनर्स को डांसिंग बहुत पसंद हो सकता है. सो आप लोग मिलकर ऐसी कोई एक्टिविटी साथ में कंबाइन करके ज्वाइन करो और उसको आगे लेके जाओ अपनी ज़िंदगी के अंदर, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा है. राइट, एंड यू पीपल विल बी यू नो स्टार सीड्स. आप लोग यहाँ के नहीं दिखाई दे रहे हो क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्ट जो दिखाई दे रहा है, इट गोज़ बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, इट गोज़ बियॉन्ड दिस अर्थली रैल्म. आपका कनेक्शन यहाँ आने से पहले ऊपर ही इतना स्ट्रांग बन चुका होगा और आप उसकी गहराई फील कर पाओगे जब आप इस इंसान को मिलेंगे अपनी लाइफ के अंदर. Wow, we have the Queen of Wands. I am so happy for you, group number one. I love the energy. Queen of Wands हमें यहाँ पर दिखा दिया है that आप इस इंसान को completely अपनी ज़िंदगी में तब लेकर आएंगे जब आप अपनी full power में होगे और आप manifest करेंगे इस connection को, and as a gift आप इस manifestation को receive करेंगे अपनी life के अंदर. ये इंसान भी किसी spiritual चीज़ों से connected होगा, astrology से connected होगा, और इस इंसान को भी एहसास होगा कि yes, एक higher power, एक universal power work करती है, और उस energy के साथ work करके ये इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता होगा. इनकी कोई, इनका कोई एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ किसी देवी देवता में होगा, एंड उसके अंदर मान के उस एनर्जी से कनेक्ट होकर आप इनकी लाइफ में आओगे. आप दोनों को एक हायर पावर कनेक्ट करेगी, मुझे यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है. राइट, एंड दिस विल हैपन व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर स्टैंडिंग इन देयर फुल पावर, आर इंडिपेंडेंट एंड आर अट्रैक्टिंग दिस पार्टनरशिप. दोनों की एनर्जीज जब अट्रैक्शन मोड पे चली जाएगी तो आप एज मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर बैठोगे, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है थ्रू दिस. राइट, Strong instincts, strong intuition is also present here. तो इस इंसान को intuition द्वारा guide किया जाएगा towards you. Even if there's logic or no logic, but आपके towards इनको एक intuition के द्वारा pull होगा. Right? Oh my God! The next card we have is the card of intuition here.
What was I telling you, group number one? Yes, I could feel it. Trust your intuition. ये इंसान को आपके लिए जो गाइडेंस आएगा, rather अपने एक्स से मूव ऑन होने के लिए भी, आगे बढ़ने को, कुछ मांगने को, प्रेयर करने को, रेमेडीज करने को, इस इंसान को गाइडेंस आएगा इनकी इंट्यूशन द्वारा कि इनको कुछ करने की ज़रूरत है, इनको कुछ हीलिंग, कुछ रिलीजिंग करने की ज़रूरत है, इनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और स्पिरिचुअली अपने काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है. ये किसी स्पिरिचुअल मीन्स से ही आपको मिलेंगे एंड आप भी इस इंसान को अपनी इंट्यूशन द्वारा मिलेंगे. सो यानी कि जब हम डिवाइन यू नो काउंटर पार्ट्स की बात करते हैं, हम मैरिज की बात करते हैं विद अ स्पिरिचुअल पार्टनर, आपकी इंट्यूशन आपको आके गाइड करेगी दोनों पार्टनर्स को, डिवाइन फेमिनिन को भी, डिवाइन मास्कुलिन को भी. एंड दैट्स व्हाई द फर्स्ट थिंग यू आर आस्क्ड टू डेवलप इज योर इंट्यूशन, सो दैट आप उन गाइडेंस को, उन साइंस को मिस आउट ना कर जाए जब आपको बताया जाएगा. क्योंकि इस इंसान को आपके टूवर्ड्स डायरेक्ट किया जाएगा और आपको भी एक यू नो इस इंसान के टूवर्ड्स डायरेक्ट किया जाएगा. सो दोनों की इंट्यूशन जब एक दूसरे के अंदर आप रिकॉग्नाइज करोगे, यू विल कम इन दिस यूनियन एंड यू विल सी हाउ पावरफुल यू आर ऑल्सो एज अ सोल दैट आप ये कर पाए. राइट, ऑलराइट, लेट्स सी. एपिफेनी, सी क्लैरिटी. सो इस इंसान को आपको देखते ही, इस इंसान को आपकी एनर्जी फील आपके ऑरा में आते ही एक एपिफेनी होगी, एक सडन रियलाइजेशन होगा, एक सडन रेवलेशन होगा इस इंसान को. एंड इस इंसान को समझ नहीं आएगा कि व्हाट हैज हैपेंड, हाउ डू आई यू नो हाउ एम आई ऑलरेडी ऑल ऑफ अ सडन फीलिंग सो मेनी थिंग्स एट वंस, मुझे इतनी अश्योरिटी कैसे है, मुझे ये कैसे पता है कि दिस इज़ द वन फॉर मी. इसको इंस्टेंट रिकॉग्निशन होगा आपको देखकर और इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए ये कहीं से गाइडेंस जो है वो सीख कर सकते हैं, आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है. बट आप मुझे ज़्यादा अवेकेंड एनर्जी में दिख रहे हो, बट आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे ना वो थोड़े से घबरा से जाएंगे कि ये क्या हो गया, ऐसा तो मुझे कभी किसी के लिए नहीं फील हुआ है. यू नो अपने आप को इमोशनली एकदम लूज कर देना और वो मोमेंट वहाँ पे आपकी ज़िंदगी का स्लो हो जाना, यू नो आपका टाइम जैसे थम जाना, वो मोमेंट थम जाना और एक अलग एनर्जी फील करना जो आपने कभी ज़िंदगी में फील ना करी हो. इस इंसान को ऐसा कुछ फील होगा आपको मिलने के बाद. राइट, ऑल राइट, वी हैव द सेवन ऑफ गैब्रियल. ऑल राइट, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, हैव कॉन्फिडेंस एंड क्लेम योर पर्सनल पावर. ये इंसान अपनी बिलीफ सिस्टम्स को यू नो चाहे कुछ भी हो उस चीज़ से आगे बढ़कर लॉजिक को डिफाई कर, बिकॉज वी सी अ यूनिकॉर्न फ्लाइंग हियर इन द एयर. राइट, देयर इज अ हॉर्स हु हैज विंग्स हु इज फ्लाइंग. इट्स कोई भी बोलेगा दिस इज इम्पॉसिबल, बट यस ये इंसान अपनी इम्पॉसिबल इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करता हुआ आपके पास आएगा एंड ट्रूली इस इंसान को बिलीव होएगा कि आपके साथ कुछ है. एंड ये इंसान कॉन्फिडेंस रखेगा इस चीज़ को लेके, अपनी खुद की पावर को क्लेम करेगा. इवन दो मुझे बाहर से इन लोगों के लिए यू नो एक तरीके का पुल बैक दिखाई दे रहा है, जो लोग इनको आसपास क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इफ दे आर श्योर अबाउट इट, अगर इनको आगे बढ़ना है. बट दिस इज़ योर फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ, सो यस ये आपकी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, सारे ऑड्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे एंड ये आपके आप तक पहुंच जाएंगे, बिकॉज दैट इज़ द डेस्टिनी दैट इज कमिंग योर. राइट, वी हैव योर लास्ट कार्ड योर एंड इट सेज डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. Right? Yes, and हमारा पहले का भी जो कार्ड है वो हमें यही दिखा रहा था कि ये इंसान जो है ये पहले अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों की बातों में आ जाते थे और इनके decisions दूसरे लोगों पर बेस्ड होते थे. इनको लोग गिल्टी फील कराते थे चीज़ों को लेकर, इनको लोग लो फील कराते थे या मेरे को दिखाई दे रहा है इमोशनल ब्लैकमेल करते थे चीज़ों को लेकर एंड ये उनकी बात मान जाते थे. राइट, सो इनकी ज़िंदगी में लेटर ऑन जब ये आपके पास आएंगे, जब इस कनेक्शन को समझेंगे, मेरे को दिखाई दे रहा है ये अपनी ट्रू पावर में स्टेप इन हो चुके होंगे, ट्रू पावर को क्लेम कर चुके होंगे एंड देन इनको लगेगा कि आई हैव टू बी ट्रू टू माई सेल्फ, आई हैव टू बी ऑथेंटिक टू माई सेल्फ. और फिर ये सिर्फ अपनी और अपनी मन की सुनेंगे, ये किसी और की बाहर नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन जो है वो हुआ हुआ है, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. राइट, ऑल राइट, सो यहाँ पर आपको बहुत सारे नंबर्स भी दिखाई दे सकते हैं थ्रू विच यू मस्ट बी गेटिंग मैसेजेस, माई ग्रुप नंबर वन.
राइट एंड मेरे को यहाँ पर 999 जिन लोगों को नंबर दिखाई दे रहा है उनको बोला जा रहा है अपनी पास्ट की कोई एनर्जी आपको रिलीज करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है. एंड 10 या वंस एंड जीरोस के सीक्वेंस जिसको दिखाई दे रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है दैट यू नीड टू क्लोज द ओल्ड साइकिल्स, रिलीज एंड क्लेंस योर एनर्जी टू स्टेप इन टू अ न्यू साइकिल इन योर लाइफ. एंड येस मैं ये भी फील कर पा रही हूँ दैट आपको यूनिवर्स बोलना चाह रही है दैट आप अपनी पावर, अपनी इंडिपेंडेंस को कम्प्लीटली क्लेम कीजिए, अपनी ज़िंदगी में स्थिरता, स्टेबिलिटी लेकर आइए एंड बैलेंस हो जाइए. जब आपके अंदर ये बैलेंस अचीव हो जाएगा एक फेमिनिन और मैस्कुलिन का, आप जब अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस फील करोगे, सिक्योर्ड फील करोगे, यू विल एमिनेट दैट एनर्जी आउट देयर इन द यूनिवर्स और उसी चीज़ को जो है आप जाने अनजाने में अट्रैक्ट कर बैठोगे, विच इज़ द गाइडेंस दैट्स कमिंग फॉर यू और है स्वाल. ऑलराइट, सो दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1. कैसी लगे मुझे जरूर बताना. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड यस, इफ यू गाइस विश टू बुक योर पर्सनल प्राइवेट टैरो कार्ड रीडिंग सेशंस और गेट रेमेडीज एज वेल, सो यू कैन डू दैट थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज मेक श्योर आप कमेंट्स के सेक्शन में किसी भी मैसेज के द्वारा मुझे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं. मैंने कोई नंबर नहीं दे रखा है यहाँ पर कॉन्टैक्ट का. प्लीज कॉन्टैक्ट ओनली थ्रू द लिंक्स गिवन इन the description box, otherwise there are a lot of scammers and please be aware of them as well. All right, so thank you so very much for joining in this time. I will be seeing you in my next video. ग्रुप नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने आज की रीडिंग इन ब्यूटिफुल पेयर ऑफ आउल से चूज की है या फिर अपने कार्ड से चूज की है, वेल दिस इज योर रीडिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फाइंड आउट फॉर यू दैट आपके लिए क्या मैसेजेस है, कौन होने वाले हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ. सो जब मैं इन पेयर को पिक करी थी इन आउल्स का, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फाउंड देम टू बी एक्सट्रीमली क्यूट, राइट, एंड आई एम मैचिंग विद मी एज वेल. वी आर बोथ वेयरिंग पिंक टुडे. इट्स प्रोबेबली द एनर्जी आई वुड हैव पिक्ड एज वेल. आई वाज वेरी अट्रैक्टेड टू द आउल एनर्जी टुडे एज वेल. लेट्स सी रीडिंग में क्या आता है. मैंने खुद कार्ड्स नहीं देखे हैं बट येस मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ एंड आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आज जो है वो भी बताऊँगी रीडिंग में. सो आपके लिए ये कार्ड आया है द मून का. लेकिन द मून से पहले लेट्स टॉक अबाउट द आउल्स एंड टेल यू व्हाट इज योर मैसेज, राइट. सो आउल्स जो होते हैं ना, उनको हमारी इंट्यूशन से कनेक्ट किया जाता है. दे आर नोन टू बी वेरी वाइज, राइट, वाइज एज एन आउल जो हम बोलते हैं. सो बहुत विजडम होती है इनके अंदर एंड बहुत सुपर नेचुरल एबिलिटीज जो है इनसे इनको जोड़ा जाता है. एंड दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ मैसेंजर बिटवीन द हेवन एंड अर्थ, राइट, बिटवीन द हायर रेल्म्स एंड द लोअर रेल्म्स, राइट. उनको मैसेंजर जैसे माना जाता है. एंड आउल्स में बहुत ज़्यादा स्पेशल क्वालिटीज़ होती है, एबिलिटीज़ होती है. नाइट विजन होता है आउल्स के अंदर. वो रात को भी देख पाते हैं, दिन में भी देख पाते हैं. उनके आईलेट्स जो होते हैं वो 3 आईलेट्स होते हैं, राइट. उनके क्लॉज होते हैं वो 4 क्लॉज होते हैं. बहुत सारी स्पेशल एबिलिटीज़ होती है. अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा मोड़ सकते हैं आउल्स एंड एट द सेम टाइम दे कैन अवॉइड ब्रेकिंग ऑफ इट बिकॉज उनको ब्लड सप्लाई भी दिया जाता है. सो दैट उनकी पूरी की पूरी बॉडी ऐसी डिजाइन होती है कि वो जो भी ये स्पेशल क्वालिटीज को, पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं हो इस चीज से. एंड ये यूनिवर्स द्वारा, भगवान द्वारा ही इनको गिफ्ट किया गया है. आईज़ बहुत बड़ी होती है सो दैट वो बहुत अच्छे से जो है आगे देखे. उनकी बीक बहुत छोटी होती है ताकि उनकी आईज़ के विजन के बीच में ये चीज़ ना आए. उनके फेदर्स, विंग्स बहुत बड़े होते हैं, राइट, ताकि वो अच्छे से अपने प्रे को, चाहे जितना मर्जी हैवी हो, उसको कैरी करके लेके जा पाए. एंड उनकी जितनी ये स्पेशल क्वालिटीज़ है, इट इज़ कनेक्टेड विद कैचिंग देयर प्रे. इट्स लाइक एक मिशन होता है ना, एक फोकस. इसी फोकस से उनको डिज़ाइन किया गया है कि वो एक सक्सेसफुली ये चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रखे. एंड बहुत नाइट टाइम की एनर्जी है, इंट्यूशन से कनेक्टेड है, लक्ष्मी माता से कनेक्टेड है. सो सिंबल ऑफ प्रस्पेरिटी, सिंबल ऑफ लक भी इनको जो है देखा जाता है, राइट. एंड वन मोर वेरी ब्यूटिफुल थिंग, वन ऑफ माई फेवरेट पॉइंट्स अबाउट देम, दैट आउल्स एक ही पार्टनर के साथ लाइफ लॉन्ग जो है वो रहते हैं, राइट. सो दे आर वन ऑफ द फ्यू बर्ड्स
जो एक पार्टनर को चूज करके उनके साथ ही रहते हैं, राइट। एंड जब हम स्पिरिचुअल एनिमल टोटम से इस यू नो बर्ड को देखते हैं, सो आउल्स आर वेरी वाइज, वेरी इंट्यूटिव, एंड दे कनेक्ट यू टू द स्पिरिचुअल रेल्म्स। दे कनेक्ट यू बैक टू योर इंट्यूशंस, टू द सीक्रेट्स एज वेल, राइट। एंड नाइट टाइम से इनकी एनर्जी कनेक्ट होती है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस में ये आपने एनर्जी चूज करी है, आप लोग दोनों मुझे एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन में दिखाई दे रहे हो। बहुत स्पिरिचुअली एक्टिव ग्रुप है ये, और जिससे इनकी इंट्यूशन, इनको ये सब जो स्पेशल एबिलिटीज और पावर्स मिली हुई है वो भगवान द्वारा मिली हुई है। ऐसी आपके अंदर और आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर मुझे स्पेशल क्वालिटीज, गिफ्ट्स भगवान ने जो ब्लेस करके भेजा हुआ है, ऐसे दिखाई दे रहा है इनके अंदर भी, राइट। बट नाइट टाइम एनर्जी, आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे उनको यू नो उनकी ज़िंदगी में बहुत अंधेरा होगा, उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, बहुत लंबा सफ़र रहा होगा उनको उनकी ज़िंदगी के अंदर, बहुत रातें ये जागे होंगे, नींद नहीं आती होगी, स्लीप की प्रॉब्लम होगी इस इंसान को, नींद की प्रॉब्लम होगी, अपने दिमाग को काम करने की, शांत करने की इशू होगा, एंड इनके खुद के फियर्स एंड ट्रॉमास बहुत एक्टिव होंगे इस इंसान के अपनी ज़िंदगी के अंदर, राइट। जिससे ये काफ़ी डील करते होंगे, अपनी शैडो सेल्फ इनकी बहुत एक्टिव होगी, जिससे ये उस चीज़ को डील करना पड़ता होगा, उस चीज़ से वो बार बार हावी हो जाती होगी सामने आकर, एंड यू नो वो चीज़ जो है इनको तंग भी करती होगी। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने ओवरकम बहुत चीज़ें करी होगी, इनको लोगों ने बहुत बुरा भला कहा होगा लाइफ के अंदर, बहुत इनसिक्योरिटीज़, बहुत फियर्स और ट्रॉमास इस इंसान के अंदर डाल दिए गए होंगे पहले से, एंड इस इंसान का सफ़र होगा उस चीज़ से बाहर निकलना, अपने आप को अनडू करना इन सब एनर्जी से। और ये अपने पास से भी कुछ जो यू नो कार्मा है, बैगेज है, वो कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए होंगे, इसलिए इनकी ज़िंदगी का पाथ एक्सेप्शनली डिफ़िकल्ट ज़्यादा होगा। एंड क्रोज की एनर्जी से भी कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर, एंड क्रोज इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द मैसेंजर एनर्जी ऑफ आर एंसेस्टर्स, राइट। सो ये या तो क्रोज को कुछ फीड करते होंगे, या फिर इनको यू नो इनको कुछ आगे जाके करना शुरू कर देंगे, इनको एंसेस्टर्स की एनर्जी से इनका कुछ कनेक्ट होगा, एंड ये अपनी ही एंसेस्टर की कोई इनकारनेशन, कोई दोबारा से जन्म लिया हुआ यू नो इंसान होंगे। यस, एंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग एनर्जी, अपनी ज़िंदगी में बहुत फेजेस देखना, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखना, और लंबा सफ़र, लंबा गहरा काली रातों में जो सफ़र होता है, किसी के होते हुए भी अकेले फील करना, लोनली फील करना इस इंसान को फील होगा, राइट। एंड आप लोगों की, अगर इवन यू पीपल आर वेरी स्पिरिचुअल, बहुत स्पिरिचुअल चीज़ों से आप लोग कनेक्टेड हो, मुझे बहुत यहाँ पर खुद स्पिरिचुअलिटी के काम से जुड़े हुए लोग इस ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते हो, एंड आपकी खुद की अवेकनिंग हुई है, आपका खुद का सामना रूबरू अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल से हुआ है आप लोगों का, एंड आप लोग रिन्यू हुए हो, आपकी एनर्जीज रिन्यू हुई है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे सक्सेसफुल दिख रहे हैं, फेमस दिख रहे हैं, आप खुद ऐसे किसी काम से जुड़े हुए हो सकते हो, वेरी और इन द स्पॉटलाइट, एंड बहुत लोग आपको लुक अप टू करते हैं, बहुत लोग आपके पास आते हैं यू नो फॉर वर्क, फॉर हीलिंग, फॉर हेल्प, इस तरीके की चीज़ें भी दिखाई दे रही है। एंड ये जो इंसान होगा, ये भी अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके का नेम और सक्सेस जो है वो यू नो this person will acquire that in their life, वो दिखाई दे रहा है। But yes, बाहर कुछ और, अंदर कुछ और, बहुत ज़्यादा, मतलब बाहर ये दिखाएंगे बहुत confident है, बहुत positive है, बहुत खुश है, बहुत अच्छी है life, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत चीज़ों के साथ deal करना, and a storm के साथ deal करना इस इंसान की energy में दिखा रहे हैं। लेकिन इस इंसान का एंड भी उस चीज़ को ख़त्म करके फिर वो शाइन करना, और वो स्टार है। सो वेरी पॉजिटिव एनर्जी रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस। और कुछ मैं डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी भी स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ यहाँ पर, वो आगे देखेंगे आप लोगों के लिए। लेट्स सी
High priest. Oh my god, what did I tell you? And high priest, एक high priestess की energy भी owls की energy से connect करके देखा जाता है. और यहाँ पे high priest है and we also have a bird again. And but this one is the eagle that is present here, right? Looks like owl energies. वैसे owl आपने जो symbol choose किया था ध्यान से देखिए आपके card के अंदर भी owl है. And again we have bird spirit here, right? आपके लिए bird spirit से connect कर ना एक रेमेडी आ रहा है. अगर आपको शादी में दिक्कत हो रहा है, ऑब्स्टिकल बन रहा है, बर्ड स्पिरिट को खाना खिलाना आपके लिए एक ब्लेसिंग के तौर पे आपकी ज़िंदगी में आएगा. यहाँ पर दिखाई दे रहा है बिकॉज वी हैव क्रोज ऑल्सो. येस. एंड ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं ये बहुत स्पिरिचुअली अवेकन सोल मुझे दिखाई दे रहे हैं. एंड ये किसी पास्ट की किसी एक ऐसी सिविलाइजेशन से बिलोंग करके आएंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर जिससे इनको ही इन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा और इनका कुछ बर्ड से कनेक्ट था. मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडिया यू नो नेटिव अमेरिकन सिविलाइजेशंस भी दिखाई दे रही है. इंडियन ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशंस मोहनजोदारो राइट ऐसी सिविलाइजेशंस हरप्पा एंड जहाँ नागास की पूजा होती है स्नेक्स की पूजा होती है बर्ड्स की पूजा होती है. बर्ड्स को पावर सिंबल माना जाता है. इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी कनेक्ट दिखाई दे रहा है मुझे. यस. ऐसी किसी जगह से इनका पास्ट बर्थ कनेक्टेड होगा एंड वो उस जन्म से ही बहुत कुछ इस लाइफ टाइम में लेकर आए होंगे अपने साथ. वन ऑफ विच इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ बर्थ स्पिरिट्स विद दैम राइट. एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के इंसान दिख रहे हैं ये मुझे कि दूसरों लोगों को कमांड करने वाले लीडर अथॉरिटेटिव पर्सन अपने मूव्स को पहले जज करने वाले कि मुझे क्या करना है. प्लानिंग इम्पल्सिव मूव्स नहीं है यहाँ पर. सब कुछ सोच समझ के प्लानिंग से चलना और इतनी मैच्योरिटी ये अगेन अपने पिछले जन्मों से लेकर आए हैं. एंड ये किसी तरीके के अपनी फैमिली के किसी पास्ट के यू नो रीइंकार्नेशन है वो मुझे दिखाई दे रहा है. यस. एंड इनके अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी होगी दैट जितनी मर्जी प्रॉब्लम आए और जितनी मर्जी एडवर्सिटीज आए ये इंसान उस चीज़ को यू नो बिल्कुल पीछे छोड़ के आगे बढ़ेगा एंड हार नहीं मानेगा, गिव अप नहीं करेगा. स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर, बहुत ज़्यादा विल पावर है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है. एंड दे ऑल्सो हैव प्रोटेक्शन from higher forces which is coming from their past lives also, right? मेरे को आर्कएंजल मेटाट्रॉन भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं इनकी मदद करते हैं. एंड मैं करबा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है. सो बहुत एंशियंट सिम्बल्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ. इस इंसान को डेफिनेटली बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है और इस लाइफ टाइम में भी ऐसी चीज़ों से कनेक्टेड होंगे और इनको एक स्ट्रेंज पुल अट्रैक्शन ऐसी चीज़ों से है जो फील होगा. लव. एंड ध्यान से इस कार्ड को देखिए. लव की जो एनर्जी है वो दो से एक यहाँ पर मुझे है जो दिखाई दे रही है. ये स्ट्रॉन्ग यूनियन एनर्जी, जैसे दो नहीं हो के एक ही है, जैसे किसी के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ इस इंसान के अंदर है. बहुत ज़्यादा डीपली एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते होंगे. फोरकास्ट, फ्यूचर फोरकास्ट में इनको इंटरेस्ट होगा, बिलीव होगा, क्योंकि मानते होंगे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में इनको ट्रस्ट होगा, बिलीव होगा. एंशियंट स्क्रिप्चर्स में इनको बिलीव होगा, यू नो कि कोई इनको जाके बोले कि हम बताते हैं आपके आगे क्या होगा या पहले क्या थे, तो इनको बहुत इंटरेस्ट होगा ऐसी चीज़ों के अंदर क्योंकि ये बहुत आंसर्स ढूंढते रहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर. इनको कॉलिंग्स आती हैं, उस कॉलिंग के सर्च में ये बहुत ज़्यादा आगे निकलते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर भी. एंड आप दोनों का सोर्स मुझे लव दिखाई दे रहा है. यू विल बी कनेक्टेड विद योर हार्ट चक्रा राइट. हार्ट चक्रा से आप लोगों का कनेक्ट होगा. आगे पीछे कुछ नहीं देखोगे आप, सिर्फ देखोगे कि आपको फील क्या हो रहा है. और ये भी इंसान कुछ नहीं देखेगा, ही विल जस्ट फील द फीलिंग दैट आपके साथ जो इस इंसान को फील होगा एंड इट विल बी लाइक अ सोल रिकॉग्निशन विद दिस पर्सन. दिस पर्सन विल लव यू अ लॉट. इस इंसान में प्यार बहुत ज़्यादा भरा होगा एंड ये रेडी होगा उस लव को आपके साथ शेयर करने के लिए भी, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है राइट. Queen of Swords. Wow. All right. So, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये किसी ना किसी तरीके के ऐसे काम से जुड़े हुए हो सकते हैं
intuition. Look at this. I just saw this. Look at the eye. It's a sword, but inka brahmastra, inki intuition hai. Yes, inki intuition will be excellent. Inko khud ko abhas hota hoga kya hone wala hai future mein. Chahe male hai, chahe female hai. इनको खुद से चीज़ें पता चल जाती होंगी वॉट इज़ गोइंग टू हैपन. इनको विजन्स, ड्रीम्स, चैनलिंग, मैसेजेस किसी भी द्वारा इनको पता चल जाता होगा समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन. और ये इनको पहले से पता चल जाता होगा या दिखता होगा. बहुत साइकिक एबिलिटीज़ है इस इंसान के अंदर. नॉट अ नॉर्मल सोल एट ऑल. ह्यूज साइकिक एबिलिटीज़ इन दिस पर्सन. एंड किसी तरीके के आवाज़ से अपनी वॉइसिंग आउट योर ओपिनियन, ऐसी किसी चीज़ से इनका काम जुड़ा हुआ होगा. लीडरशिप रोल में होंगे, लीडरशिप क्वालिटीज इस इंसान के अंदर होगी. एंड जो भी करते होंगे दे आर लीडिंग अ पैक्ट एंड दे आर लीडिंग इट विद देयर इंट्यूशन ऑल्सो. प्लस दे आर कंप्लीटली स्लेइंग इट. तो ये इंसान अपने गेम के टॉप पे होगा, राइट. और अपनी आवाज़ को यूज़ करके किसी तरीके से ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में अपना you know, जो इनका काम है वो कैरी फॉरवर्ड करता होगा. अपनी आवाज़ को सिंगर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं इंसान, या हीलर हो सकते हैं. लेकिन इस किसी का काम जहाँ पर आप अपने शब्दों द्वारा लोगों को बात कर करके हील कर रहे हो. वॉइस से रिलेटेड कोई काम जो है यहाँ पर अपना कर सकते हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है. एंड येस, कुछ लोग स्पिरिचुअल चीज़ों के द्वारा अपनी कम्युनिकेट करके भी एक लिविंग क्रिएट करना वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है. बट इनका ब्रह्मास्त्र, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इनकी आवाज़ और इनकी इंट्यूशन दिखाई दे रही है यहाँ पर, विच विल बी एक्सेलेंट एंड ऑन पॉइंट. इनको कोई कट नहीं कर पाएगा बिकॉज दे विल बी वेरी सक्सेसफुल एट व्हाट दे डू, राइट. ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज. ओके, इस इंसान को आप तब मिलेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर जब आपकी ज़िंदगी में ह्यूज एक ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज के you know, अंदर से आप गुजर रहे होंगे. आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ रहे होंगे, चेंजेस आ रहे होंगे. आपको बटरफ्लाइज बहुत दिखेंगी, आपको स्पिरिचुअल सिंबल्स बहुत दिखेंगे इस इंसान से मिलने से पहले, क्योंकि इनका कुछ स्पिरिचुअल सिंबल्स के साथ भी कनेक्ट होगा. तो यूनिवर्स लग जाएगी आपको ये मैसेज डिलीवर करने के लिए कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ. एंड आप एक बहुत कॉन्फिडेंस में, एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में आगे बढ़ रहे होगी. यू विल बी टेकिंग द चेंज एंड द ट्रांसफॉर्मेशन वेरी वेल विद ऑप्टिमिज्म, विद कॉन्फिडेंस आप आगे बढ़ रहे होगे. पास्ट की एनर्जी को क्लेंस करके, पास्ट को हटा के कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ रहे होगे. कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आफ्टर यू कट योर नेगेटिव एनर्जीज, आफ्टर यू कट योर कट एंड क्लेंस योर एनर्जीज, योर डार्क एनर्जीज ऑफ ईवल आई, बुरी नज़र, ब्लैक मैजिक, ऑल हैवी एंड डार्क स्पिरिचुअल एनर्जीज से भी जब आप क्लेंस करके, कट करके आगे बढ़ोगे, उसके बाद ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा. क्योंकि ये क्लियरेंस के बाद आपकी ज़िंदगी के अंदर एक्टिव हो रहा है ये कनेक्शन, राइट. ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है. Yes. All right. Let's see what more. Queen of Wands. What did I say to you? There is a mystical aspect. We have two queens here, right? Two queens. Bahut powerful energy yahan par present hai. ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ ये इंसान आपकी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि इस इंसान ये खुद भी बड़ा प्रोन होगा नेगेटिव एनर्जी के अटैक्स से, क्योंकि इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी. जब हम इतना स्पिरिचुअली एक्टिव होते हैं, वी आर वेरी प्रोन टू द साइकिक अटैक्स, वी आर वेरी प्रोन टू अट्रैक्टिंग नेगेटिव एनर्जी ऑल्सो ईजिली. ये इंसान और आप दोनों पे, आप पे ऐसे अटैक्स होते होंगे. और जब आप इन चीज़ों को क्लियर करोगे उसके बाद ये रास्ता खुलेगा एक दूसरे को मिलने का. इट्स अ स्पिरिचुअल पार्ट टू मीट ईच अदर. और इसके द्वारा आप लोगों का स्पिरिचुअल वर्क, आप लोगों का सक्सेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा इस क्लियरिंग से. ना कि सिर्फ इस इंसान को या आपको, आपकी ओवरऑल लाइफ को बहुत ज़्यादा एक फॉरवर्ड मूवमेंट मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगा यहाँ से, राइट. एंड ये इंसान इसको एप्रिसिएशन बहुत मिलता होगा. लोग इस पर्सन को एक हाई ऑनर, रिस्पेक्ट में देखते होंगे, रिस्पेक्ट करते होंगे, वैल्यू करते होंगे. इनके बोले गए शब्द बहुत ध्यान से सुने जाते होंगे, अप्लाई किए जाते होंगे. बहुत पावरफुल एनर्जी में इस इंसान को देखा जाता होगा. एंड दिस पर्सन हैज़ द एबिलिटी टू स्ले अ लॉट ऑफ शिट आउट ऑफ योर लाइफ. तो ना ये किसी की बकवास सुनेंगे और ना ये किसी से बकवास करेंगे. दे विल बी टैक्टफुल अबाउट हाउ दे स्पीक, राइट. पावर है, बट पावर को यूज़ करना आता है. एंड कुछ एक स्पिरिचुअल
चीज़ों से अपनी ज़िंदगी में चीज़ें एक्टिव करना भी दिखाई दे रहा है, बिकॉज इनकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, तो इनको अपने लिए भी बहुत ऐसे मैसेजेस और गाइडेंस जो है मिलते होंगे, और ऐसी चीज़ों को भी ये अप्लाई करते होंगे अपनी लाइफ के अंदर। इस तरीके का इंसान दिख रहा है, थोड़ा अनकन्वेंशनल इंसान दिख रहा है, नॉट लाइक अ नॉर्मल योर नेक्स्ट डोर पर्सन। इट्स अ वेरी डिफरेंट एनर्जी आई एम एबल टू फील हियर, राइट। काली माता से कनेक्टेड हो सकता है इंसान, शिव जी से कनेक्टेड हो सकता है, फुल मून और मून्स के साइकिल के साथ इसकी एनर्जी बहुत जुड़ी हुई होगी, और प्लैनेटरी ट्रांसिशंस के साथ भी। तो आप नोटिस करेंगे इनके मूड्स और इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्ट होकर, अलाइन होकर आगे फॉरवर्ड मूव कर रही है, राइट। फ्लर्ट की एनर्जी है यहाँ पर, ऑल राइट। सो एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। सो आपके साथ ये जो इंसान है, बहुत डेप्थ है इस इंसान के अंदर, बट एक बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी भी है, बहुत फ्लर्टी एनर्जी भी है, यू नो बैठ कर स्वीट रोमांटिक जेस्चर्स करना, फ्लर्ट करना, एक दूसरे को लाइट फील कराना, यू नो एक बहुत इस इंसान के पास एक एबिलिटी होगी शेप शिफ्टिंग की। ये लाइट एनर्जी से हैवी एनर्जी में चला जाता होगा, लेकिन हैवी से लाइट भी कैसे होते हैं, इस इंसान को आता होगा इस चीज़ को शिफ्ट करना, और उसलिए दैट बिकॉज ऑफ दैट ये अपनी एनर्जी स्विच बहुत अच्छे से कर लेता होगा, बहुत जल्दी कर लेता होगा। एंड इज अ लॉट ऑफ इनोसेंस टू दिस पर्सन एज वेल, दिस स्वीटनेस टू दिस पर्सन एज वेल, राइट। गाइड, माई गॉड, योर फ्यूचर स्पाउस, योर फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ, हु इज इट, राइट। बिकॉज जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इट्स लाइक कोई किसी साधु, किसी हर्मिट, किसी एक बहुत हाई स्पिरिचुअल सोल, स्टार सीड की एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है। ये नॉर्मल सोल नहीं दिखाई दे रही है, राइट। ओके, गाइड, सो रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ द डिवाइन इन लाइफ एंड इन योर सेल्फ। लुक एट दिस, वी हैव एन आउल अगेन। योर रीडिंग ग्रुप नंबर टू इज कंप्लीटली फिल्ड विद आउल्स। आउल्स आपको दिखेंगे इस इंसान को मिलने से पहले। मुझे यहाँ पर बर्ड्स दिखाई दे रहे, ईगल, क्रोज, आउल्स, स्पेशली आउल्स आपको दिखाई दे सकते हैं, उनके फेदर भी मिल सकते हैं, कहीं पर भी दिखाई दे सकते हैं आपको, लेकिन आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिंबल मेरे को दिखाई दे रहा है। एंड ऑल्सो आउल इज़ योर गाइडिंग स्पिरिचुअल एनिमल, इनसे सीखो आप, इनकी क्वालिटीज़ को अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कीजिए और इनको बुलाइए, बोलिए दैट आई कॉल अपॉन द स्पिरिट ऑफ द आउल टू कम एंड हेल्प मी इन माई लाइफ। ये आपको आगे लेके जाएंगे आपकी जर्नी पर, यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इस इंसान का कनेक्शन है आउल स्पिरिट से, राइट। एंड ये हर चीज में ना भगवान की विश, भगवान की विल ढूंढते हैं कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हायर पावर कर रही है। बहुत सरेंडरिंग एनर्जी है, हैवीनेस अपने ऊपर नहीं लेने आने देते, ये भगवान पे छोड़ देते हैं, हायर पावर पे छोड़ देते हैं, राइट। ये आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ओके, यस, spiritually awakened active person who listens to his own intuition, very wise soul, old soul, बहुत ज़्यादा mysticism से connected, and definitely कुछ इनको आता होगा ऐसी चीज़ों से, वो भी दिखाई दे रहा है। कुछ इनकी habit भी हो सकती है कि मैं जल्दी उठूँ, क्योंकि नींद इनको वैसे ही बहुत ज़्यादा आती नहीं होगी, नींद का इनको ज़्यादा शौक भी नहीं होगा, प्रॉब्लम भी होएगी, तो इनको सुबह मैं जल्दी उठ जाऊँ या रात को इनकी एनर्जी बहुत एक्टिव हो जाए, बट स्पिरिचुअल एनर्जी की बात करूँ ऐसा आपको देखने को मिलेगा इस इंसान के साथ। प्लस इनको स्पिरिचुअल चीज़ें, टेक्स्ट, माइथोलॉजी, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करना और विजडम गेन करना इनको बहुत अच्छा लगता होगा, और नॉलेज गेन करना इनको बहुत अच्छा लगता होगा। राइटिंग एंड रीडिंग का शौक होगा इस इंसान को, ड्रेसिंग अप का शौक होगा इस इंसान को, तैयार होने का, ड्रेसिंग अप का, एक्सेसरीज पहनने का, और अपनी जिस भी चीज़ से बिलोंग करते होंगे, जिस भी कम्युनिटी से, उस कम्युनिटी की ऑथेंटिक ड्रेसिंग से इनको बहुत शौक होगा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, लाइक आई, दिस इज़ अ वेरी साउथ इंडियन अटायर दैट आई एम वेयरिंग, राइट। सो
आई हैव माई रूट्स लाइक इन द साउथ इंडिया एज वेल राइट. सो मैं बहुत कनेक्टेड फील कर पाती हूँ वेन आई एम यू नो कनेक्टेड टू सच एनर्जीज. इस इंसान का भी कुछ दिख रहा है यू नो कि अगर कुछ साउथ इंडियन एनर्जीज है सो धोती या यू नो एक तरीके से लुंगी एंड कुर्ता एंड स्टोल लेना या आई एम टेलिंग यू जिस भी चीज़ से बिलोंग करती हूँ जिस भी कम्युनिटी से उसका कुछ एक ऑथेंटिक स्पिरिचुअल कनेक्ट अपने साथ ये कैरी करते होंगे या टाइम एंड अगेन इनको वो पहनना यूज करना पसंद होता होगा राइट. एक्सपेंशन माई गॉड टाइम एंड अगेन इट्स अ वेरी डिवाइन एनर्जी. जैसे ये इंसान यहाँ आया हुआ है दूसरे लोगों को गाइड करने हील करने दूसरे लोगों को सिखाने उनको जवाब देने उनको समझाने कि क्या करना है कैसे बढ़ना है आगे ज़िंदगी के अंदर. एक बहुत डिवाइन मिस्टिक सोल मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड एंड वाइफ. एंड बहुत लोग इनके पास ये अपनी लाइफ में बहुत ऐसे लोगों को देखेंगे बहुत ऐसे लोगों के अक्रॉस आएंगे जो इनसे विजडम और गाइडेंस मांगेंगे एंड ये उन लोगों को देंगे. इनको एक गाइडिंग लाइट बना के भगवान ने यहाँ धरती पे भेजा है दूसरे लोगों की मदद करने के लिए. एंड इस ग्रुप के लिए मैसेजेस भी ज़्यादा है कार्ड ज़्यादा गिरे जब मैं शफल करती जा रही थी. तो इस इंसान के पास बहुत कुछ होगा दूसरे लोगों को दिखाने को और देने को. एंड अ स्ट्रॉन्ग पर्पल ब्लू एनर्जी. इनका थर्ड आई चक्र एक्टिव दिख रहा है इनका क्राउन चक्र एक्टिव दिख रहा है राइट. इनको इनको फेम का कुछ नहीं होगा बट ये खुद ही फेमस हो जाएंगे क्योंकि ऐसा इनका कुछ काम होगा कि दे विल बी द लाइट. बट इनका पूरा ध्यान टूवर्ड्स स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स होगा अपनी लाइफ के अंदर राइट. गाइडिंग लाइट दूसरे लोगों के लिए. ऑर्डिनरीनेस यस. ये इंसान दिखने में रहन सहन में कपड़ों में चीज़ों में बड़ा ऑर्डिनरी सा होगा. आपको आप ऐसे देखते नहीं बोल पाओगे कि इसके अंदर ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं यूनिवर्स के. बट जैसे ही इंसान मुंह खोले जैसे ही इंसान बात करे जैसे थोड़ा लो की भी पसंद होगा इस इंसान को रहना. बहुत ज़्यादा आउट देयर बहुत ज़्यादा शोशा या ऐसी चीज़ें करना नहीं पसंद होगा इस इंसान को. ऑर्डिनरी सिंपल लाइफ जीने वाला इंसान होगा ये. नेचर से बहुत कनेक्टेड होगा. इसको छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती होंगी करनी जस्ट लाइक गार्डनिंग फ्लावर्स खरीद के लेकर आना. फ्लावर्स से इस इंसान को बहुत एक स्वीट कनेक्ट होगा. ओ माय गॉड आई जस्ट सॉ द आउल अगेन. आर यू किडिंग मी आई हैव नेवर सीन सो मेनी आउल्स इन अ रीडिंग. ओके लुक एट दिस वी जस्ट सॉ एन आउल अगेन. आई टेल यू हाउ मेनी आउल्स हैव कम अप टिल नाउ इन योर रीडिंग. ओके बिकॉज योर रीडिंग इज फुल ऑफ आउल्स. दो मैंने रखे हुए थे राइट उधर. उसके बाद आपकी My God, owls, again. Yes, 3, 4 owls are here till now. Double हो रही energy owls की भी. This is not a normal soul. इसके अंदर मुझे एक भगवान का अंश दिखाई दे रहा है soul के अंदर परमात्मा का अंश. और वो एक एक्टिव अंश हम सब उसी सोल यू नो वो जो एक परमात्मा है उसी के अंश होते हैं. बट वो एक्टिवेशन इस इंसान के अंदर फुल लेवल पे गई होगी राइट. ये नॉर्मल इंसान नहीं दिखाई दे रहा मुझे राइट. सम डिवाइन बीइंग सम सुपर नेचुरल डिवाइन बीइंग इज बीइंग शोन हियर. 5 of Cups ओके. इस इंसान ने बहुत दुख दर्द देखे अपनी लाइफ के अंदर. आपके फ्यूचर स्पाउस ने बहुत हारा हुआ फील किया अपनी ज़िंदगी के अंदर. इस इंसान ने इसको लोग समझते नहीं होंगे एंड टाइम एंड अगेन इनको बहुत डिफ़िकल्टीज़ इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर जो है पास्ट में एक्सपीरियंस की. आसपास के लोग जो है वो लड़खड़ाते रहते होंगे एंड इनको एक कांस्टेंट सपोर्ट नहीं मिला होगा ज़िंदगी के अंदर इंसानों से किसी भी इंसान से तभी ये भगवान के टूवर्ड्स इतने चले भी गए राइट. एंड बहुत हारा हुआ है ये इंसान अपनी लाइफ के अंदर यू नो. इस इंसान के अंदर जो विजडम है वो बहुत ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंस से भी एक्टिव हुई है इसकी ज़िंदगी के अंदर. एंड बहुत कुछ खोया होगा इसने अपनी लाइफ में राइट. सी वी आर 6 of Swords यस. कोई पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है और कोई पास्ट की एनर्जी इतनी ज़्यादा अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आया इस जन्म में कि इट फील्स लाइक एन एक्सेस बैगेज. सो यस पास्ट का बहुत कुछ चीज़ें आई एम एबल टू सी इवन फैमिली लिनेजेस की बहुत कुछ चीज़ें ये पर्सन अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आया है फॉर हीलिंग द फैमिली एंसेस्ट्रल पैटर्न्स एज वेल प्लस अपना कार्मा. बहुत डिफ़िकल्ट इस इंसान की ज़िंदगी का सफ़र जो है वो रहा होगा
लेकिन फिर भी ये उसको हील करके आगे बढ़ेगा जिंदगी के अंदर. टू ऑफ कप्स, आई जस्ट लव दिस कार्ड, वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स. लुक एट दिस, देर इज़ एन इंस्टेंट रिकॉग्निशन, देर इज़ एन इंस्टेंट सोल कनेक्ट, द रेनबोज कनेक्ट, द कप्स कनेक्ट. Look at that. It's like an instant knowing. And this water, it's the card of the high priestess here. You know, two of cups. मुझे ये card बहुत high priest, priestess जब मिल जाते हैं उस energy पे connect करता है. So it is in perfect alignment with your reading. You know, the owls and the high priest, ये आपका reflection, आपका divine counterpart, आपका twin flame हो सकता है ये इंसान. इस group में majority twin flames है. And मेजॉरिटी सोल कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं पार्टनर्स के यहाँ पर. और आप दोनों ऐसे, आपकी सोल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करे, इवन मिलने से पहले आप दोनों को पता हो कि येस यू बोथ एग्जिस्ट फॉर ईच अदर. इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, साइकिक कनेक्शन, 5D में पहले कनेक्ट कर जाना, वो दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर. वेरी मैजिकल स्टोरी, वेरी मेटाफिजिकल स्टोरी, जो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. जिंदगी पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और बन गई, इस तरीके की चीज़. एंड यू हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. आप लोगों में एज गैप हो सकता है, ओके, सिमिलर प्रोफेशन से बिलोंग कर सकते हो, या फिर आप लोग दोनों ही वॉइस, आप दोनों की वॉइस बहुत स्ट्रांग होगी, आप दोनों ही पावरफुल स्पीकर्स होगे, नॉलेज बहुत होगी, विजडम बहुत होगी. आप अपने प्रोफेशंस में अपने शब्दों द्वारा, अपनी आवाज़ द्वारा कुछ करते होगे. कुछ सिमिलैरिटी इस तौर पे मुझे दिखाई दे रही है. सो मच ब्लू एनर्जी. ब्लू एनर्जी कम्स फ्रॉम योर थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, इवन आपका क्राउन चक्रा इज पॉपुलेशन कलर. इन्हीं कुछ एनर्जी से आपका एक डीप सोल कनेक्ट होगा. आप दोनों का ही दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, राइट. And you have the eagle energy once again. Look at that. I'm not kidding you. This group is something extraordinary. Okay, जिस भी जो भी लोग ये group को देख रहे हैं, extraordinary energies. यहाँ पर कोई भी एक चीज़ single या solo नहीं आ रही है. हर कुछ pairs में आ रहा है. यहाँ cats pairs में है. यहाँ मेरी eagle जो मैंने पहले दिखाई थी वो भी pair में है. Owls चार आ चुके हैं. कुछ भी, कोई भी एनर्जी सोलो या सिंगल अकेले नहीं दिखाई दे रही है. सबका काउंटर पार्ट, सबका कनेक्शन कि हाँ तुम जाओ अर्थ पे, तुम चलो, मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ, मैं तुम्हें आऊँगा और मैं तुम्हें गाइड करूँगा. इस तरीके की कुछ एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर के साथ. Opportunity knocks. Look at this again. A dual energy. और go for it. आपको बोला जा रहा है ये बहुत जल्द opportunity आपकी ज़िंदगी में आ सकती है. कुछ लोगों के लिए already आ चुकी है. आपको बोला जा रहा है go for it. डरो मत, सोचते मत रहो. उस चीज़ के लिए आपको 1000 messages दिए जाएंगे universe द्वारा. उस messages को देखो, right? यस, ये ग्रुप सोचता बहुत रहता है. आप सोचते हो और सोच सोच में वो ड्रीम्स आपके इवेपरेट हो जाते हैं, रह जाते हैं. आप अपनी पास्ट को देखो, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपने डर में, भय में आपने करी नहीं, परस्यू ही नहीं करी. आप डर गए या आप सोचते रह गए और आपने एक्शन ले लिया और वो चीज़ चली गई हाथ से. आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये पर्सन बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में जो है वो आ सकता है. जब आएगा तो द अपॉर्चुनिटी विल कम. बी रेडी एंड गो फॉर इट. इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा सोचते नहीं रहना, बहुत टाइम नहीं लेना, बिकॉज यू विल जस्ट नो इट. ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, इफ यू आर गेटिंग द साइंस दे आर टेलिंग यू हियर. ओके, फोर ऑफ एरियल यहाँ पे मैसेज है. व्हेन यू गिव यू ऑल्सो रिसीव. बीइंग रेजिस्टेंट टू चेंज. एक्सट्रीम्स इन हाउ यू सेव एंड स्पेंड मनी. एक तो इस ग्रुप का क्या प्रॉब्लम है कि आप लोग ना, आप लोग गिवर्स बहुत दिखाई दे रहे हो. आपको रिसीव करनी नहीं आती चीज़ें. आप देते रहते हो. दैट्स नॉट राइट. यू नीड टू बी इन द रिसीविंग एनर्जी टू रिसीव दिस पर्सन, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी रिसेप्टिव पर्सन, वेरी इंट्यूटिव साइकिक पर्सन. आपको रिसेप्ट अपनी फेमिनिन एनर्जी में भी रहना पड़ेगा इस इंसान को एक्सेप्ट करने को और अट्रैक्ट करने को. आपको बोला जा रहा है रिसीविंग स्टार्ट करो यूनिवर्स में. एंड डरो मत चेंज से. यू हैव टू गो आउट देयर. डोंट बी स्केयर्ड ऑफ चेंज. एक लूप में मत फंसे रहो बिकॉज आपको चेंज से डर लगता है. अगर कुछ छोड़ोगे नहीं, किसी चीज़ से आगे नहीं बढ़ोगे, अपने पास से आगे नहीं बढ़ोगे, तो इस इंसान तक नहीं पहुँच पाओगे. आपको बोला जा रहा है छोड़ दो उस चीज़ को और आगे बढ़ो. एंड आप या तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट एनर्जी में चले जाते हो या बिल्कुल ही अपने आप को शट ऑफ कर देते हो. मतलब मुझे आपके अंदर ना एक्सट्रीम एक दिखाई दे रही है क्लोज्ड एनर्जी. या फिर आप
चले जाते हो बाहर, राइट, बट उसके अंदर भी बैलेंस नहीं दिख रहा है. या तो यू गो एंड यू टॉक टू एवरीवन, एक ही बार सबसे बात कर लोगे, मिलोगे, सब कराओगे, उसके बाद जाकर अपने आप को शट ऑफ कर दोगे. बैलेंस मिसिंग है यहाँ पर. आपको बैलेंस क्रिएट करो, राइट, बैलेंस क्रिएट करो, हेल्दी बैलेंस क्रिएट करो. एंड लेट्स सी व्हाट इज द लास्ट कार्ड फॉर यू. बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज यू बोथ पोजेस equally so. The qualities you don't like are also your own reflection, strong to inflame energy. मैं आपको जो बता रही थी यहाँ पर, इस इंसान को आपकी reflection बताया गया है और आपको बोला जा रहा है सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी जानते हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट्स को, अपने ट्विन फ्लेम्स को फील कर पाते हैं. आपको बोला जा रहा है दैट जो कुछ भी इस इंसान में आपको नहीं पसंद, वो आपकी शैडोज आपको दिखाई जा रही है. आप उस चीज़ को अपने अंदर हील करना शुरू करो, आप अपने अंदर हील करो एंड देन लीव इट टू गॉड. दूसरे पे ब्लेम नहीं डालना है इस चीज़ के ऊपर, बिकॉज आप इनडायरेक्टली अपने ऊपर ही ब्लेम करते जा रहे हो चीज़ों को और आप वर्क नहीं कर रहे हो फिर उस चीज़ पर, राइट. आपको ये यहाँ पर बोला जा रहा है. यस, लेट मी सी एनी अदर मैसेजेस फॉर यू. नंबर 8 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है. 8, नंबर 9, नंबर 17, नंबर 18, नंबर 2, 6 एंड 5, 4 ऑल्सो इज प्रेजेंट हियर, राइट. तो ये किसी की बर्थडेट्स हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लाइफ पाथ नंबर्स हो सकते हैं, कुड बी इंपॉर्टेंट एनर्जी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग गिवन टू यू. किसी को ड्रैगन से किसी तरीके का कनेक्ट या पुल हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकती है. यस, किसी तरीके का चेन या स्पिरिचुअल सिंबल ये पर्सन पहन सकता है. आप ये भी नोटिस कर सकते हो, कुछ स्पिरिचुअल सिंबल इस पर्सन ने, स्पिरिचुअल टोटम पहना हो. You can connect with them in the 5D. आपको यहाँ पर बोला जा रहा है 5D में आपको इनकी एनर्जी फील हो जाएगी. Yes. And lighten up. Your life already is on a very heavy, heavy mode. आपको बोला जा रहा है अपने आप को फ्री करो, अपने अपनी बैगेजेस को, अपनी एनर्जीज को फ्री करो. रिलीज करने की ज़रूरत है यहाँ पर, पास्ट को क्लोज करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तब जाकर आप इसको मिलोगे. ये लाइट हार्टेड एनर्जी में मिलेगा आपको, हैवी एनर्जीज में नहीं. यस, एंड ट्रस्ट द डिवाइन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी विल नॉक योर डोर. ऑलराइट, सो दैट इज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2. कैसी लगी मुझे जरूर बताना. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड यस, इफ यू गाइज विश टू बुक योर पर्सनल प्राइवेट टैरो कार्ड रीडिंग सेशन और रेमेडीज, यू कैन ऑल्सो लेट मी नो बाय द लिंक्स गिवन ओनली इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज डू नॉट मैसेज थ्रू एनी कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. मैं कोई नंबर्स नहीं प्रोवाइड करती हूँ, दे आर ऑल स्कैमर्स. प्लीज डोंट गिव एनी इन्फॉर्मेशन देयर or contact through that, right? So I love you all very much. Thank you so very much for joining in this time. I will be seeing you in my next video.